सपा और कांग्रेस के गठबंधन का दावा है कि अब उनका ही गठबंधन बनने जा रहा है और इसी कड़ी के तहत दोनों पार्टियों के दावे के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों ही गठबंधन के लिए वोट मांगने का फैसला किया है और इसी कड़ी के तहत वो 20 फरवरी को रायबरेली में चुनावी रैली संबोधित कर रही हैं। हालांकि ये सोनिया गांधी की यूपी चुनाव को लेकर के एकमात्र रैली होगी। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब दोनों पार्टियों ने कड़ी टक्कर देने का दावा किया है। दोनों दलों का दावा है कि उनके गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 फरवरी को रायबरेली में रैली को संबोधित करेंगी। हालांकि ये यूपी चुनाव में सोनिया की एकमात्र रैली होगी। गठबंधन में 105 सीटें कांग्रेस को मिली है और साथ ही अमेठी और रायबरेली की सभी ज्यादातर सीटें भी कांग्रेस के ही पास है। हालांकि कुछ सीटों पर विवाद भी है। इस बीच जानकारी ये भी है कि प्रियंका गांधी भी 14 फरवरी से रायबरेली और अमेठी में प्रचार शुरू करेंगी। प्रियंका 14 से 15 फरवरी तक रायबरेली में प्रचार करेंगी, 16 से 18 फरवरी तक अमेठी में प्रचार करेंगी, वहीं राहुल गांधी 18 को रायबरेली में रैली करेंगे। गठबंधन की 105 सीटें कांग्रेस के पास है। हालांकि बात करें रायबरेली की और अमेठी की सीटों की तो वो भी ज्यादातर कांग्रेस के ही पाले में है और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पर अभी भी विवाद बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शशि के साथ मैं महक सेठी, गुलिस्तान न्यूज। एयर इंडिया अपने समर शेड्यूल में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जम्मू और बैंकॉक के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। एयर इंडिया के मैनेजर आर के नेगी ने बताया कि जल्द ही एयर इंडिया जम्मू और बैंकॉक के लिए फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। जम्मू के लिए फ्लाइट का संचालन अप्रैल से शुरू हो जाएगा जबकि बैंकॉक के लिए मई में शुरू किया जाएगा। वही नई फ्लाइट्स के संचालन की जानकारी समर शेड्यूल में दी जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अभी लेह, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर की सीधी घरेलू उड़ान है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अभी शारजा और दुबई की चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कनेक्ट हुई है। मैनेजर नेगी ने बताया कि फ्लाइट शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। बैंकॉक के लिए एयरबस 320 जाएगी जो कि हफ्ते में 5 दिन चंडीगढ़ बैंकॉक चंडीगढ़ के बीच उड़ान भरेगी। जम्मू के लिए ATR उड़ान भरेगा। यह 70 सीटों वाला छोटा विमान है। एयर इंडिया समर शेड्यूल से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बैंकॉक और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर आर के नेगी ने बताया कि जल्द चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जम्मू और बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। चंडीगढ़ से जम्मू जाने वाली फ्लाइट का संचालन अप्रैल और बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट का संचालन मई से शुरू होगा। वहीं नई फ्लाइट्स के संचालन की जानकारी समर शेड्यूल में दी जाएगी। एयरबस 320 हफ्ते में 5 बार चंडीगढ़ से बैंकॉक और बैंकॉक से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगा। वहीं ATR जम्मू के लिए उड़ान भरेगा जो कि 70 सीटों वाला छोटा विमान है। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं सतनाम सिंह, गुलिस्तान न्यूज। परवेज रसूल के बाद एक और खिलाड़ी ने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। उमर नजीर नामी इस खिलाड़ी को अब मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये फास्ट बॉलर जिला पुलवामा से ताल्लुक रखता है। तालीम हो या खेल, रियासत के नौजवानों ने दोनों मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों के बलबूते पर दादे तहसीन हासिल की है। खेल के शोबे में भी नामुनासिब मौसमी हालात और कमजोर बुनियादी ढांचे के बावजूद वो फूल खिलने लगे हैं कि जिनकी खुशबू से न सिर्फ वादी बल्कि पूरे मुल्क में अब महक आने लगी है। परवेज रसूल के बाद अब वाडी के एक और नौजवान खिलाड़ी उमर नजीर ने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी की बदौलत कौमी टीम के सफर की ओर एक अहम सीढ़ी अबूर कर ली है। पुलवामा जिले के मलिकपुरा से ताल्लुक रखने वाले इस 25 साला फास्ट बॉलर ने रांची के मुकाबलों में अच्छी बॉलिंग करके सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी ओर मरकूज करवाई। उमर नजीर को नारद जून की टीम में शामिल किया गया है। पुलवामा जिले के एक दूरदराज इलाके के नौजवान की कामयाबी से पूरे इलाके में और उसके घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। रियासत में नामुनासिब बुनियादी ढांचे के बावजूद यहां के खिलाड़ी अपने सलाहियतों से अरबाब इक्तदार को खाबे खरगोश से जगाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अगर खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए तो वो दिन दूर नहीं
जब हर खेल में रियासत के खिलाड़ी बैन अक्वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करते नजर आएंगे। बस जरूरत है कि जरखैज सरजमी को बातों और कागजी घोड़े दौड़ाने से सींचने की कोशिश न की जाए और ये कोशिश को छोड़कर हकीकी माना में नम किया जाए। अब देखना यह है कि क्या महकमे खेल कूद अब इस तरफ तवज्जो मरकूज करता है कि खेलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया जाए या बस वादे ही करते रहेंगे और बातें ही करते रहेंगे। कैमरामैन शशि के साथ खालिद मुंतजर, सिटी रिपोर्ट, गुलिस्तान। यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जहां हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्रशासन को चूहों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ रही है। जी हां, यहां के प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा डर चूहों का ही सता रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन चूहों का कुछ उपाय किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। कानपुर में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने भविष्य को लेकर चूहों से खतरा नजर आ रहा है। उन्हें खतरा है कि कहीं चूहे उनकी उम्मीदों पर पानी न फेर दें। दरअसल कानपुर में विधानसभा चुनाव के बाद 10 विधानसभाओं की ईवीएम मतगणना के लिए जहां रखी जाएंगी वो जगह नौबरता गल्ला मंडी है, जहां अनाज की मौजूदगी होने के चलते लंबे वक्त से खतरनाक मोटे चूहों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। यहां मौजूद चूहों और उनके आतंक को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि यहां ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इसी चिंता को लेकर प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं अब प्रशासन ने चूहों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और सीमेंट और कंक्रीट से गड्ढों को भरने का काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में चूहों ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है। यहां उन्होंने मांद बनाई हुई है, गड्ढे बनाए हुए हैं और चबूतरों को अंदर से खोखला कर दिया है। जब डीएम को इसके बारे में जानकारी दी गई तो डीएम ने वहां पर कंक्रीट और सीमेंट लगाकर गड्ढे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद वहां पर ये काम शुरू भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जब तीसरे चरण के 19 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे और सभी विधानसभाओं की ईवीएम को यहाँ पर रखा जाएगा तो ये सीमेंट और कंक्रीट उन चूहों के हमले से इन ईवीएम को बचा भी पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ इमरान खान, गुलिस्तान न्यूज। इंसानी जज्बे के तहत जहां पूरी दुनिया में ब्लड डोनेशन कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है और लोग खासकर नौजवान तबका रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश करता है ताकि हादसात के वक्त जरूरतमंदों के काम आए। जम्मू के नानक नगर में आज सिख यूथ सेवा ट्रस्ट ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा की भावना से अपने खून का दान किया। इस मौके पर ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों ने लोगों से, खास तौर से नौजवानों से अपील की कि वो रक्तदान कैंप में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपने रक्त का दान करें ताकि जरूरत के वक्त इंसानी जानों को जाया होने से बचाया जा सके। जम्मू में भी सिख सेवा यूथ फेडरेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। कैमरामैन शशि के साथ साहिल अमीन, गुलिस्तान न्यूज। पिछले कुछ दिनों से मौसम की बेरुखी से बाधित हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल नहीं हो पा रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज भी एक तरफा यातायात है, जिसके चलते आज श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों का काफिला रवाना किया गया है। कल हाईवे भले ही खुला था, कुछ समय के लिए हाईवे को खोला गया था, लेकिन 11 बजे के करीब मौसम के मिजाज को देखते हुए हाईवे फिर से बंद कर दिया गया था और आज धूप खिलने के चलते वहां से फिलहाल एक तरफा यातायात को इजाज़त दी गई है, जिसके चलते श्रीनगर से गाड़ियों का काफिला जम्मू के लिए रवाना किया गया है। वहीं जम्मू से आज किसी भी गाड़ी को घाटी की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ तक कि सेना, CRPF और BSF के काफिलों पर भी आज पूरी तरह से रोक लगी हुई है। बुधवार को एक तरफा यातायात के लिए बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे आज मौसम साफ होने पर खोल दिया गया। आज भी हालांकि हाईवे पर एक तरफा यातायात है, जिसके चलते श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को रवाना किया गया है। जम्मू से श्रीनगर की ओर आज किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, यहाँ तक कि सेना, BSF और CRPF के काफिलों को भी
आज घाटी रवाना नहीं किया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे की हालत आए दिन हो रही बारिश के चलते बेहद खस्ता हो चुकी है और जगह जगह पस्सियां गिरने से कीचड़ और फिसलन के कारण फिलहाल एक तरफा यातायात कायम रखने का फैसला किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में मौसम फिर से खराब हो सकता है, जिससे हालात और बद से बदतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन बंटी डिगड़ा के साथ राहुल सानी, गुलिस्तान न्यूज, जम्मू। जम्मू संभाग के प्रमुख पर्यटक स्थल जो सरकार की अनदेखी का शिकार हैं, जी हां, मानतलाई सोदमादेव की बात कर रहे हैं, उसकी तस्वीर बदल सकती है। एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में आई है और जिसको हाईकोर्ट के डबल बेंच ने स्वीकार भी कर लिया और जिसमें साफ लिखा गया है कि सरकार की अनदेखी का शिकार होने के कारण सोदमादेव और मानतलाई का विकास नहीं हो पा रहा है। मानतलाई को विकसित करने को लेकर कोर्ट में दायर याचिका को खंडपीठ ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते शुद्ध महादेव और मानतलाई का विकास नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक मानतलाई में विश्व प्रसिद्ध योग केंद्र भी बनाया जाना था। करीब 1000 कनाल जमीन पर हेलीपैड और 5 सितारा होटल भी है। उस याचिका में साफ लिखा गया है कि सरकार लगातार इन दोनों ही पर्यटक स्थलों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस पर्यटक स्थल यानी मानतलाई में एक इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाने की बात कही गई थी जो विश्व प्रसिद्ध हो सकता था, और इस कोर्ट अगर इस पर फैसला देती है तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद लोगों में थी कि मानतलाई को विकसित किया जाना चाहिए, सोदमादेव को विकसित किया जाना चाहिए, वो विकसित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज जो उसको जनहित याचिका को स्वीकार करने के बाद एक और उम्मीद जगी है कि मानतलाई और सोदमादेव को विकसित किया जा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ विनोद, जम्मू से। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को पीने के पानी के लिए अधिक पैसे नहीं खर्च करने होंगे। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अब जल्द ही रेलवे स्टेशन जम्मू तवी में 3 वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को बोतल बंद पानी लेने के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे। यात्रियों की सुविधा में इजाफा करते हुए भारतीय रेलवे ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 3 वाटर वेंडिंग मशीन्स को लगाने का फैसला किया है। ये मशीनें इस महीने के अंत तक काम करने लगेंगी, जिससे यात्रियों को सस्ते दामों पर रिजर्व ओस्मोसिस यानी RO वाटर मिल सकेगा। वेंडिंग मशीनों से रेल यात्रियों को 1 लीटर पानी अब मात्र 3 रुपए में मिल सकेगा। फिरोजपुर डिवीजन के अधीन आने वाले दर्जन भर रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी और इन मशीनों की खरीदारी पर होने वाले खर्च को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC उठाएगी। साथ ही मशीनों के संचालन से लेकर मरम्मत की जिम्मेदारी भी IRCTC की होगी। वेंडिंग मशीन के पास अटेंडेंट मौजूद होगा जो यात्रियों को पानी उपलब्ध करवाएगा। रेलवे के इस प्रयास से गर्मियों के मौसम में यात्रियों को वाटर वेंडिंग मशीन से ज्यादा लाभ होगा और उन्हें ठंडा पानी सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा। इन मशीनों के माध्यम से यात्रियों को अब प्रति लीटर पानी 3 रुपए के हिसाब से मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ये मशीनें इस महीने के अंत तक काम करना शुरू कर देंगी। यात्रियों ने रेलवे के इस कदम की सराहना की है। कैमरामैन बंटी के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। राजौरी के जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग यहां पर किसी भी तरह की सुविधा को ना पाकर काफी मायूस होते हैं। लोगों का ये कहना है कि यहां उन्हें किसी भी तरह की कोई मुफ्त दवाई नहीं दी जाती और ना ही उनका सही तरह से चेकअप किया जाता है। किसी भी तरह की पंचुअलिटी डॉक्टर्स में नहीं है और अस्पताल का निज़ाम दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लोगों तक पहुंचने का बीजेपी लंबे चौड़े दावे तो जरूर करती है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। इस संबंध में जब हमने कुछ मरीजों से बात की तो उन्होंने कहा कि PM द्वारा चलाई जा रही किसी भी स्कीम का उनको फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महज एक नारा है और जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का फायदा महिलाओं को नहीं मिल रहा है। उन्होंने महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी किसी तरह की स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल की हालत को बिगड़ता देख यहां के आम लोग काफी परेशान हैं। आए दिन यहां से पेशेंट को GMC जम्मू रेफर किया जाता है। राजौरी में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं।
राजौरी के जिला अस्पताल की सेवाओं को लेकर लोग बहुत ही परेशान हैं। 7 लाख आबादी पर मुस्तमिल अस्पताल की हालत बेहद खस्ता है। आजकल ये रेफरल अस्पताल बन गया है। अस्पताल में दवाइयां नहीं है, आईसीयू की हालत बहुत दयनीय है, सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है। दूर दराज से मीलों का सफर तय कर जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं मिलते और यहाँ तक कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी यहाँ मौजूद नहीं होते। हालांकि लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किए और जिला इंतजामिया से ये मांग भी की कि इस अस्पताल की हालत को सुधारा जाए, मगर अभी तक किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि पिछले दिनों डीसी राजौरी ने खुद अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया था और कुछ मुलाजमों को निलंबित भी किया था, मगर उसके बावजूद भी अस्पताल के सिस्टम में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे राजौरी के लोग काफ़ी परेशान हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं शक्ति शर्मा। वादी कश्मीर में लोगों के मुश्किलात की बात करें तो अनगिनत मुश्किलात है यहाँ लोगों को, और इसमें ऐसे एक ऐसा मुश्किलात है, ऐसा मसला है जो बिजली का यहाँ पे है। वादी कश्मीर में जो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो चुका है। घाटी में सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों को तरह तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों में सबसे बड़ी मुश्किल बिजली की आवश्यक कटौती। जी हाँ, सर्दियां आते ही घाटी में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है, जिसको लेकर आए दिन लोग सड़कों पर अक्सर विरोध करते नजर आते हैं। हालांकि राज्य सरकार लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। बिजली कटौती तो सामान्य बात है, लेकिन अगर बिजली प्रणाली की बात करें तो अक्सर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मिलिंग लाइन और सड़ा डंडे के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लोगों की सुने तो बिजली जो निज़ाम है वो दिन ब दिन दरहम बरहम होता जा रहा है, और जो सरकार वादे यहाँ पे करती है वो वादे ज़मीनी सतह पे पूरे नहीं होते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस है, वो लोगों के पास आते हैं, उनसे कहा जाता है कि उनको वोट दे और वो उनके जो बेसिक जो नीड्स है, जो मामलात है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मामलात है वो उनको पूरा करेगी, मगर ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और जो लोगों की मुश्किलात है उनमें दिन ब दिन इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ सईद रूप, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी बजट पर चर्चा जारी रही, और बजट पर चर्चा के दौरान जहां लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला, वहीं राज्यसभा में भी आज विपक्ष यानी कांग्रेस ने काफी हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम की तरफ से की गई तकरीर पर तनकीद करते हुए कहा कि जो अल्फाज वजीर आजम की तरफ से कहे गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। साथ साथ बजट पर बात करते हुए जहाँ पी चिदम्बरम ने बजट में जो नुकसान हैं और जो कमियाँ हैं उनको गिनवाया, वहीं पर कहा कि बजट के अंदर आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि हम पीएम को बयान से रोकना नहीं चाहते, इसलिए हम बाहर चले गए। चिदम्बरम ने डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन की चर्चा करते हुए कहा, ट्रंप ने अपनी चुनावी सभा में कई ऐसे बातें कही जिसका सबने विरोध किया। हिजब इख्तलाफ ने न सिर्फ सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरा और राज्यसभा के अंदर घेरा, बल्कि बाहर भी मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कुछ भी आम लोगों के लिए देने को नहीं है। वजीर आजम के नारों को याद करते हुए कहा कि ये सिर्फ लफ्ज़ों की सरकार है और लफ्ज़ों की सरकार बहुत देर तक नहीं चल सकती है। मरकजी व रियासती सरकार ने जहां रियासत जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत करने और मरीजों को दरपेश मुश्किलात का अजाला कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का ऐलान तो किया है, तहम उन ऐलानात का ज़मीनी सतह पर किस तरह इस्तेमाल होता है ये ज़िला गांदरबल अस्पताल की इमारत की हालत को देख कर खुद लगाया जा सकता है। राज्य सरकार जहां स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे को ज्यादा स्थिरता देने की कोशिश कर रही है, रियासत में सभी अस्पतालों के मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं गांदरबल जिला अस्पताल की इमारत बनाने का काम पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था जिस पर करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि अस्पताल की इमारत का काम पूरा न होने के कारण जिले के लोगों को कई तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इमारत का काम पूरा होने से यहां के लोगों को काफी राहत मिल सकती थी, हालांकि काम में धीमी गति के कारण लोग काफी परेशान हैं।
ضلع گاندربل اسپتال کی عمارت کا کام اگرچہ پچھلی سرکار کے دوران ہاتھ میں لیا گیا ہے، تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ عمارت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عمارت مکمل ہوئی تو انہیں جو مشکلات ضلع ہسپتال میں ہو رہے ہیں وہ ازالہ ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین اشوک کے ساتھ ریاض احمد، گلستان نیوز۔ ریاست میں پنچایتی چناؤں کے سمبندھ میں سرکار دوارا کی جا رہی وارڈ اور پنچایتوں کی حدبندی کا کانگریس نے کڑا ورودھ کیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکار کی یہ پرکریا غیر قانونی اور من مرضی کی ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس پروکتا رویندر شرما کا کہنا ہے کہ سوتنتر راجیہ چناؤ آیوگ کے گٹھن کیے بنا سرکار وارڈ اور پنچایتوں کی حدبندی کر رہی ہے، جو پوری طرح سے غیر قانونی ہے۔ سرکار دوارا کی جا رہی پنچایتوں اور وارڈز کی ڈیلیمیٹیشن کا کانگریس نے کڑا ورودھ کیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ سرکاری پرکریا اسمویدھانک ہے۔ جموں میں آیوجت ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی پروکتا رویندر شرما نے کہا کہ جس طریقے سے سرکار اس سمے وارڈ اور پنچایتوں کی حد بندی کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں پنچایتی چناؤ کروانے کے لیے الگ سے راجیہ چناؤ آیوگ کا گٹھن کرنا تھا اور اس کی نگرانی میں ہی پنچایت اور وارڈز کی حد بندی کی پرکریا ہونی تھی، لیکن سرکار پنچایتی راج ایکٹ کو تاک پر رکھ کر من مرضی سے حد بندی کا کام کر رہی ہے، جس سے لوگوں میں روش ہے۔ رویندر شرما نے کہا کہ پنچایتوں اور وارڈ کی حد بندی پرکریا راجیہ چناؤ آیوگ کی نگرانی میں ہونی تھی، لیکن سرکار پنچایتی راج ایکٹ کو تاک پر رکھ کر من مرضی سے حد بندی کا کام کر رہی ہے، جس سے لوگوں میں روش ہے۔ کیمرامین سنیل کے ساتھ اشونی چندیل، جموں۔ اتراکھنڈ کے ٹہری میں ایک چنابی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے بھاجپا ادھیکش امیت شاہ نے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے کسی بھی گھوٹالے کی ذمہ داری نہیں لی۔ ودھان سبھا چناؤں کو لے کر اتراکھنڈ کی نئی ٹہری میں بی جے پی ادھیکش امیت شاہ نے ریلی کو سمبودھت کیا۔ امیت شاہ نے ریلی میں پورو پردھان منتری منموہن سنگھ پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے ٹھیک کہا کہ منموہن سنگھ نے کسی بھی گھوٹالے کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن وہ کسی بھی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ امیت شاہ نے کہا کہ منموہن سنگھ 12 لاکھ کروڑ کے گھوٹالے کے ذمہ دار ہیں، تو وہیں پی ایم مودی کی پورو پردھان منتری منموہن سنگھ پر ٹپنی کو غلط بتانے کے کانگریس کے آروپوں پر امیت شاہ نے کہا کہ راہل بابا، آپ یاد کیجیے کہ آپ کی ماتا جی نے پردھان منتری مودی کے بارے میں کیا کہا تھا، آپ نے خود منموہن سنگھ کا اپمان کیا تھا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ کے ہر گھر سے ایک جوان سینا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ون رینک ون پینشن کی مانگ ہوتی تھی، لیکن کانگریس سرکار نے اس پر کچھ نہیں کیا، لیکن مودی سرکار نے ایک سال میں ہی اس سمسیا کا سمادھان کر دیا۔ امیت شاہ نے کہا کہ ہمیں کوئی ودھائک یا مکھیہ منتری نہیں بدلنا ہے، بلکہ اتراکھنڈ کا بھاگیہ بدلنا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ کانگریس کی یہ سرکار کیمرے کے سامنے ودھائکوں کی خرید فروخت کرتی ہے۔ وہیں امیت شاہ نے راہل بابا کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی ماتا جی نے پردھان منتری نریندر مودی کے لیے کیا کہا تھا، اور آپ نے خود پورو پردھان منتری منموہن سنگھ کا اپمان کیا تھا۔ کیمرامین کلدیپ کے ساتھ میں وجے ٹوگا، گلستان نیوز، دلی۔